हेलो गाइस, आज हमारे साथ है ज्योति मैम फिर एक बार, और इस बार हम बात करने वाले हैं सीधे साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और कमेंट्स में लिख दीजिएगा साइकोलॉजी ताकि मुझे पता लगे कितने वीडियोस इस पे लेके आना है। तो एक बार फिर मैडम आपका स्वागत है अपने चैनल पे। मैम का तो आजकल आना जाना चलता रहता है अपने चैनल पे, बिल्कुल हमारा चैनल इनके लिए बाग बगीचा बन गया है। मैं इनके साथ जुड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है इनको 15,000 से खुशी होती है, मुझे उतने से खुशी नहीं होती है। अगर आप चाहते हो मैं इनके साथ जुड़ जाऊं तो कम से कम भैया 25-30 तो मुझे चाहिए इनसे डबल। गाइस तो देख लो, मैं लालची नहीं हूँ, बट मैडम मुद्दे की बात बोल रहे हैं कि भाई क्वालिटी नॉलेज दे रही हूँ, तो भाई मैं तो उसके लिए भाव लूंगी। तो कोई बात नहीं, दोस्त दे देंगे हमारे सारे। तो मैम और आज मजा बहुत आएगा, आज मैं अभिषेक जी की खूब टांग खिंचाई करूंगी। यार फिर से अपनी बारी आ गई है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो सब चलेगा। तो मैम हाँ जी बोलिए। एक सवाल है आज, एक सवाल के आसपास ही पूरा इर्द-गिर्द घुमाते हैं। मार्केट ही ऐसा है, एक सवाल में पूरी जिंदगी कट जाती है। वाह 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 वाह, मार्केट क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है। गाइस देख लीजिए, मतलब मैम पूरी शायराना अंदाज में आ गई है, और ये अपने चैनल का प्यार का कमाल है। तो मैम सवाल आपसे ये है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वाओ वाओ, पहली इंसान है जो वाओ बोल रही है, सारी दुनिया परेशान है। मैम ये फोमो से ना सब कोई परेशान है, ऐसी बीमारी हो गई ना सबको हो गई है, क्या हाँ। किया जाए, फोमो का क्या होता है, किस तरह से निकला जाए, आपका क्या एक्सपीरियंस है साइकोलॉजी रिलेटेड, इसके बारे में प्लीज बताइए। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्यों होता है? मौका छूट जाता है मैम, बढ़िया अच्छा स्टॉक देख रहे हैं और चले जाता है। अच्छा मुझे बताइए, आपकी फ्लाइट छूट जाती है तो क्या आप फ्लाइट को भाग के पकड़ते हो? नहीं मैं तो फिर दूसरी बुक कर लेता हूँ अगर कहीं जाना है। अरे पकड़ ही नहीं सकते, आधे घंटे पहले बुकिंग बंद हो जाती है। हाँ पकड़ तो नहीं सकते, सही बात है। अच्छा ट्रेन चल रही है, ट्रेन स्टार्ट हो गई है तो क्या ट्रेन को, ट्रेन डेड एंड पे पहुंच गई है प्लेटफॉर्म पे, पकड़ते हो? नहीं हम तो ऐसे, अगर पकड़ लो तो क्या होगा? बहुत अच्छे आदमी थे, पॉसिबिलिटी है। जो लोग समझ गए कमेंट्स करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या कभी ये फोमो इफेक्ट होता है कि भाई ट्रेन छूट गई भाग के पकड़ लूं, फ्लाइट छूट रही है पायलट को रोकूं कि भाई मुझे एंट्री दे दो? नहीं क्योंकि तब हमको पता है ना, हो ही नहीं सकता। क्यों? हवाई जहाज में आ रहा आधा पायलट उड़ा है, उसको थोड़ी बोल सकते कि भाई आजा मेरे को लेके जा। मतलब दूसरी फ्लाइट है, बिल्कुल दूसरी ट्रेन है, तो दूसरा ट्रेड भी है। देखो दोस्तों इतने सरलता से मैडम ने पूरा सारांश बता दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैडम कि अगर आपका ये ट्रेड छूट जाता है तो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि यार मेरा मौका चले गया, आप ये अज्यूम कर लो कि अगला ट्रेड है, आप अगला ट्रेड लेंगे। देखो फोमो इफेक्ट आता कब है, मैंने ज्यादा करके क्या देखा है कि लेट्स से आपको किसी एनालिस्ट ने कॉल दिया हो कि भाई बाय स्टॉक एबीसी एट 1575, स्टॉप लॉस 1560 एंड टारगेट 1600, 1625, 1650। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी अपनी होशियारी लगाते हैं, हम 1575 की जगह बोलते हैं कि हम 1570 में बाय करो, प्राइस हो जाता है 1580। तो हम बोलते हैं डीलर को कि एक काम करो 1575 मॉडिफाई कर दो, फिर प्राइस हो जाता है 1585। हम बोलते हैं एक काम करो 1580 कर दो, फिर प्राइस हो जाता है 1595। हम बोलते हैं 1600 करके बाय कर ले। अरे तो फोमो तो तुमने खुद क्रिएट किया है कि भाई तुमने 1575 वो मिल रहा था तब तो तुमने लिया नहीं, 1600 टारगेट अचीव होने को आ गया तब लिया, तो फोमो तो हमने खुद क्रिएट किया है। राइट, फोमो तो हमने सही में खुद में क्रिएट किया है, तो इससे बचे कैसे मैं? तो इससे बचे ये कि या तो आप उसी टाइम पे ले लो, और अगर छूट गया तो दूसरा देखो। तो मैम इसमें एक चैलेंज आ जाता है जो हमारे फॉलोअर्स कहते हैं कि देखिए हम जब छोड़ देते हैं तब तो फोमो होता है, और जब पकड़ लेते तो स्टॉक पलट जाता है। तो तुम भी स्टॉक को बोलो ना ए पलट, पलट जाएगा। तो मैं तो आपका ये कहना है कि भाई घुस जाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो स्टॉप लॉस क्यों, ऐसा कौन सा स्टॉक है मुझे बता दीजिए जिसमें आप इतनी कॉन्फिडेंस से एंटर कर सकते हो कि जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने का कोई चांस ही नहीं है? आईटीसी नहीं, पता नहीं अब नहीं पता, पहले तो था, कभी नहीं था आईटीसी। मैंने रिंग टाइम के बाद, जब मैं पहली बार ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम
कैन यू बिलीव आईटीसी को मैंने 20% अपर सर्किट और 20% लोअर सर्किट सेम डे देखा है। गाइस इस पे लाइक बनता है, आईटीसी 20% सर्किट मार रहा है, क्या बात है। अपर और लोअर सेम डे। ओहो, ये वीडियो अपर सर्किट मारना चाहिए आपको, गजब मैडम। आईटीसी 20% अपर सर्किट मैंने देखा है, तो भी 200 पे ही होगा। और मैं फंसी थी ना, इसलिए याद। अच्छा अरे बाप रे। तो बेसिकली मैम फोमो पे वापस अगर आते हैं तो आपका ये कहना है कि फोमो हम खुद क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और फोमो से बचने का तरीका है कि भाई साहब आप या तो एंटर हो जाओ या तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेड का वेट करो। हाँ। ये सिंपल सा तरीका। बिल्कुल। अब एक सिंपल सी बात बताते हैं मैम, आज इस टाइम पे आपको 36 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है अप्रॉक्स। बिल्कुल है। तो इस एज में आने के बाद भी क्या आपको कभी कभी खुद फोमो होता है? हाँ, 3:30 के बाद रोज होता है। 3:30 के बाद होता है? हाँ, 3:30 के बाद रोज होता है, उसके पहले नहीं होता, पता ही नहीं रहता है ना। 3:30 के बाद पता चलता है, अरे ये ट्रेड मिस हो गया। तो गाइस मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैम ने बताया ये फोमो का माजरा। मैम साइकोलॉजी का और एक एस्पेक्ट है, फोमो तो होता ही है लोगों का, चलिए एक चीज हो गई है, और एक है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा इसी वीडियो में अगर आप परमिशन देते हो। बोलो। ओवर ट्रेडिंग। मैम बड़े लोग परेशान है, ये ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, क्यों होती है और कैसे बच सकते हैं? ओवर ट्रेडिंग, एटीएम मशीन, दो पर्स, पैसा डालो पैसा निकालो। अब होता क्या है, ये पैसा इधर से जाते ही जाता है, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। इधर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या है ना, वापस बाहर नहीं आता है, अंदर जाते ही जाएगा, एक ही साइड है उसका, पैसा देता नहीं है वापस। ओके, लेट मी पुट इट इन दिस वे, यू आर इन अ जॉब, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर जॉब? You will prefer 8 hours? Correct. 9 hours? 9 hours. 10 hours? 15 hours? No. 20 hours? बिल्कुल नहीं. क्यों? अरे exhaust हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम तो इतना थोड़ी काम करेंगे. और बॉस के लिए? करना पड़ेगा. 24 घंटे? नहीं, इतना नहीं करेंगे, जॉब छोड़ देंगे हम तो. 90 hours a week? हाँ, 90 hours a week. नहीं मैम, दूसरे के लिए नहीं करेंगे. 100 hours a week? अरे आप तो बच्चे की जान ले लो. तो जब आप, अरे ये यहाँ पे सबको सबको समझ में आता है, और यही बात जब मैं ओवर ट्रेडिंग की करती हूँ तो तुमको समझ में नहीं आता है। लो मैडम इधर दो दो के हमसे निकलवा रही है जवाब। मैंने पहले ही कहा था ना, आज भी अभिषेक। हाँ, बोल दिया था। तो मतलब आप बेसिकली बोल रहे हो कि ओवर ट्रेडिंग तो ऐसे होती है। चलिए अब कोई इस लूप में फंस गया, निकलने का क्या तरीका है ओवर ट्रेडिंग से? एक बार सारी पोजीशन कट करो, एक हफ्ते की छुट्टी लो, घूमने जाओ अपनी फैमिली के साथ, ऐश करो, वापस आओ, अपना टाइम टेबल बनाते हो वैसे ही ट्रेडिंग टेबल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। बहुत ही सिंपल एडवाइस है गाइस, ब्रेक लो, बस ब्रेक लेके घूमने जाओ, जुहू चौपाटी जाओ, गोवा जाओ, बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ, घूमो बस, है ना, कहीं भी जाओ। आज मैं इनके साथ बैठी हूँ, सुबह से कोई ट्रेडिंग नहीं की है, खाली मस्ती कर रहे हैं हम लोग, लंच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लंच की थाली आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, डोंट वरी। तो गाइस मतलब आज तो मैम आपने दो सिंपल चीजें बहुत ही कम टाइम में बताई है। एक्चुअली क्या ट्रेडिंग करना रोज जरूरी है क्या? कमेंट्स में बताओ ना, हम तो बताएंगे, आप कमेंट्स में बताओ, सारे सवाल मुझ पे आ जाते हैं इसलिए मैं ऑडियंस पे डाल दे रहा हूं। मेरे हिसाब से तो मैम जरूरी नहीं है, ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब ट्रेडिंग बनती हो। मैम हर बार एक डायलॉग मार के जाती है, ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब ट्रेडिंग बनती है। तो मैम बड़ा एक्साइटिंग रहा, शॉर्ट सिंपल, लेकिन दो साइकोलॉजी के आपने कर दिए। मैडम ने टारगेट दे दिया भाई, मैं थोड़ा सिंपल सादा व्यक्ति हूँ लेकिन मैडम ने बड़ा टारगेट दे दिया है। मैं यहाँ पे ग्रीडी हूँ, मार्केट में नहीं। मैम अपना ही चैनल है तो मैम इधर थोड़ा सा ग्रीडी हो जाती है। नहीं, उसका रीजन है। हाँ, उसका रीजन ये है कि आप अगर ध्यान से सुनोगे, लाइक करोगे, तो मैं अगली बार कुछ और अच्छा सा लेके आऊंगी और अच्छा सा बताऊंगी आपको, मेरी नॉलेज के पिटारे में से खूब सारी नॉलेज ऐसे ही मिल जाएगी। 36 साल का एक्सपीरियंस है, सारा नॉलेज निकालना है ना, तो कमेंट्स में क्या लिखना है आपको पता है, और लाइक्स कितने करने हैं आपको पता है। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल पे फिर से आने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड इसी तरह के साइकोलॉजी रिलेटेड सुपर ज्ञान चाहिए ना मैम से, तो भैया अपना टारगेट पूरा कर लो, बहुत जल्द मैम को लेके आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।